अभी मैं अपने पास हमारी को होस्ट हैं शिवानी बेन, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हैं। तो अभी हम शिवानी बेन को माइक ऑफर करते हैं। ओम शांति। जैसे हमारे हर सेशन की जो शुरुआत होती है बाबा की याद से होती है, अर्थात परमात्मा की याद से। तो अभी हम थोड़े टाइम के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और हमें बाबा की याद दिलाने के लिए हमारे साथ है बीके भूपेंद्र भाई जी, शांतिवन से। आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं। आपके साथ अंतरिक्ष भाई सेवाएं देंगे आज। बाबा की याद एक्चुअली हमारा कनेक्शन बाबा से जोड़ने वाले हैं। सो, कई बार क्वेश्चन होता है ना, इतनी सारी क्लासेस किया, मेडिटेशन सीखा, अभी एक्चुअल में कैसे उससे बातें करें। सो, आज दोनों भाई हमें हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ने वाले हैं। आर यू रेडी? रेडी? ओके। तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजार, मगर समझे ना दिल पर वो इश्क को हमारे, नजरों के सामने वो आते नहीं हमार, मगर रहते हैं हर पल मंजर में वो हमारे साथ, जब साथ है हाथों में हाथ है, साथ है जो तेरा क्या बात है। ये जिंदगी खुशहाल है, वो है मेरे मिलन की तेरी ये हसरत, मेरे दिल में समाई है ला 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 ला। बाबा बस तू ही दूजा ना और कोई, महिमा तुम्हारी गाए, रंग में तेरे रंग जाए, नैनों में समा के तुझसे मिलन मनाए, साथ जब साथ है हाथों में हाथ है, साथ है जो तेरा क्या बात है। ये जिंदगी खुशहाल है, ओ ऐ खुदा मेरे मिलन की तेरी ये हसरत, मेरे दिल में समाई है ला ला ला।
प्यार की रहमत मिलन की मैंने ये अर्जी लगाई है। थैंक यू सो मच भाई जी, और कितना अच्छा गीत सुनाया हमें कि ऐ खुदा तुझसे मिलने की हसरत लगाई है, लगाई है आप सभी ने, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। आए हैं एक बार सभी बोलो साथ में, इसीलिए आए हैं। सो अभी आज सेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं, और आज हमारे बीच जो शख्सियत है, एक्चुअली ही इज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आर्ट एंड कल्चरल विंग, आपका नाम है नितिन भाई जी, और आप पिछले 20 सालों से डेडिकेटेड रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और भाई जी का क्या कहें, म्यूज़िक का, इनका सॉफ्ट वॉइस, एंड इनकी स्पेशलिटी है कि ये फीमेल एज वेल एज मेल वॉइस दोनों में ही सिंगिंग करते हैं। सो अभी जो भाई जी का सॉन्ग है रुक जाना नहीं, कई बार चलते चलते हम लोगों को थकावट हो जाती है ना, तो आज हमें आगे बढ़ाने के लिए गीत के बोल हैं रुक जाना नहीं। ओवर टू यू नितिन भाई जी। थैंक यू। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। साथी न कारवा है ये तेरा इंतहा है, साथी न कारवा है ये तेरा इंतहा है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तालियां बहुत कम बज रही, ये होता है जोश। हाउ इज द जोश? सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है।
जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकल है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही, एवरीबॉडी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई जी। भाई जी ने देखिए हमारे लाइफ से रिलेटेड सॉन्ग हमारे सामने रखा। अभी आगे जैसा कि हम अभी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कृष्णा और सुदामा का नाटक लेके हमारे बीच में आ रहे हैं ब्रह्मा कुमार कृष्णा भाई जी, ब्रह्मा कुमार सत्यनारायण भाई जी, ब्रह्मा कुमार जीतू भाई जी और पल्लवी बहन, और गीत के बोल हैं अरे द्वारपालों। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण किधर को जा रहे हो, जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सो कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी छट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन
फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होंठों पर अटके हैं। भगवान ना करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया। सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो तुम जाओ भैया। अरे द्वार
उसी का समा तेरे जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. सो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसा रहा? कैसा रहा? एक बार और. सो थैंक यू सो मच शांतिवन की टीम को, थैंक यू बोलते हैं. अब हमारे सेशन को, और ये सेशन तो नहीं कहेंगे, एंटरटेनमेंट सेशन है बेसिकली, तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है सिस्टर एंजल. नाम ही क्या है, सिस्टर एंजल. क्योंकि आप सभी स्पोर्ट्स विंग का इवेंट है और आप सभी स्पोर्ट्स विंग से कनेक्टेड है, तो एक विशेषता बताना चाहते हैं. सिस्टर बैडमिंटन में सेकंड प्राइज वॉन किया है. शी इज़ राजयोगा प्रैक्टिशनर. बेसिकली वो राजयोगा की बहुत प्रैक्टिस करती हैं और उन्होंने रनिंग में हमेशा फर्स्ट प्राइज गेन किया है. और सबसे बड़ी खासियत है कि कुमारी छोटी है लेकिन 3:30 बजे अमृत वेला मॉर्निंग में करती हैं उठ करके. सो कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे एक तरीके से गेम्स पर कि शी इज़ सो फोकस्ड. स्टडी भी है साथ में, प्लेइंग भी है और सब में शी इज़ नंबर वन. सो वी वॉन्ट टू लाइक बिकम दैट, येस और नो? वी वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट. सो नाउ वी वुड लाइक टू वेलकम सिस्टर एंजल. एंड इनका जो डांस है पिलर टू द मून. I want to stand tall like a pillar.
देखिए एंजल बैन ने हमारे बीच में बिल्कुल एंजल की तरह परफॉर्मेंस दिया, तो अभी हम जोरदार ताली से उनके उमंग उत्साह को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अभी नेक्स्ट जो हमारे परफॉर्मर हैं कुमारी पूजा बैन और कुमारी दीति बैन, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, उनके गीत के बोल हैं उड़े रे गुलाल आयो नंदलाल। तो कल जिन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया हम यहाँ पर बैठकर सेलिब्रेशन करेंगे। दोनों बहनों का कितने अच्छे से उड़े रे गुलाल आयो नंदलाल। सो क्या करेंगे, नंदलाल को सभी अपने साथ लेके जाएंगे यहाँ से। सो नेक्स्ट हमारे साथ में है नितिन भाई, जो अभी हमने परिचय कराया, और जो आज का गीत है, दुनिया में भी एक कहावत है लाइफ के ऊपर, लाइफ इज अ गेम, प्ले टू विन। लेकिन आज जो शब्द है, लाइफ की जो डेफिनेशन है, भाई जी ने एकदम चेंज करने वाले हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सो इसी गीतों के बोल के साथ ओवर टू यू नितिन भाई जी। तालियों का साथ जिसको डांस करना कर सकता है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तालियां फिर कम हो गई। इको बढ़ाना था। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। कैसा लगा? वंस मोर जरूर से आपको फिर भैया जरूर एंटरटेन करेंगे। अभी आगे हमारे बीच में जो आ रहे हैं उनका नाम है बीके पूरन भाई, और वो पिछले 25 सालों से इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और उनका दिल्ली में 5-स्टार होटल भी है, वो उसके ओनर हैं।
तो ऐसे भाई साहब का हम बहुत ज़ोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। वो हमारे बीच शेर व शायरी लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको भी इंजॉय करेंगे, है ना? समुंदर के किनारे जाकर देखा, समुंदर के किनारे जाकर देखा तो तूफान ही तूफान नज़र आए, और धरती पर आकर देखा तो इंसान ही इंसान नज़र आए, और आकाश की तरफ सिर उठाकर देखा तो फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आए, परंतु इस हॉल में आकर देखा तो सब अपने ही नज़र आए, अपने ही नज़र आए। देखो आज संसार में ना कोई भी व्यक्ति, कोई छोटा मोटा हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कोई काम करता है, क्या कहता है, मैं संसार के हर आदमी के मुंह पे मैं ये करता हूँ। लेकिन संसार का जो क्रिएटर है, परमपिता परमात्मा, कभी उसने कहा कि मैं इस दुनिया को चला रहा हूँ? कभी नहीं कहा ना। तो उसके ऊपर कुछ लाइनें सुनाऊंगा। मानव कहता है मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों खड़ा? मानव कहता है मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों खड़ा? धरती कहती है मैं बड़ी, तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? शेषनाग कहता है मैं बड़ा, तो शंकर के गले क्यों पड़ा? शंकर कहता है मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत कहता है मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों उठा? रावण कहता है मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा? रावण कहता है मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा? अब राम कहता है मैं बड़ा, तो शिव के गले क्यों पड़ा? जब वह श्रीलंका पर चढ़ाई करी थी, तो शिवलिंग की स्थापना करके राम ने वर प्राप्त किया था कि मैं रावण पर। राम कहता है मैं बड़ा, तो शिव के गले क्यों पड़ा? अब शिव कहता है मैं बड़ा, तो बोलो, सिर्फ वही बता पाएंगे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, और कोई नहीं बता पाएगा। बताओ, शिव कहता है मैं बड़ा, तो हम बच्चों के गले क्यों पड़ा? क्यों बच्चों के गले पड़ा सुनवा, बताओ। चलो चलो चलो, बच्चों सतयुग की स्थापना करनी है, हैं, बच्चों के बिना हो जाएगी? नहीं कर पाएगा। लेकिन बाप तो बाप है, बच्चे बच्चे हैं ना। तो देखो एक बात और सुनाता हूँ। एक दफ़ा ना हमारी यहाँ बसंता बहन बैठी हुई है, बैठी है बाहर हैं, हैदराबाद की। उनके साथ ना हम किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, तो प्रोग्राम में गए तो वहाँ प्रोग्राम में ना हमारी मुलाकात लालू जी से हो गई। सुना ना लालू जी का नाम? कोई भी ऐसा नहीं होगा जैसे नहीं सुना होगा। तो लालू जी से हमारी मुलाकात हो गई, तो हमारी बहनों ने अपनी आदत के मुताबिक आत्मा परमात्मा का परिचय दिया, विनाश होने वाला है, और हमने अपनी आदत के मुताबिक एक शेर व शायरी सुनाई। तो लालू जी ने कहा, अरे छोड़ो तुम्हारी शेर व शायरी और विनाश की बातें, हम तुम्हें एक शेर सुनाते हैं। तो सुनिए लालू जी का शेर। कौन कहता है कयामत में सब मर जाएंगे? हमने मैंने कहती है ना, बस कयामत का समय आने वाला है, दुनिया जाने वाली है, ब्रह्म कुमारी सब बोलते हैं। कौन कहता है कयामत में सब मर जाएंगे? हम तो बिहारी हैं, पेड़ पे चढ़ जाएंगे। अब क्या हुआ, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बहनों साथ वापस जा रहे थे। वापस जा रहे थे तो रास्ते में ना बहनें ना बड़ी शांति से चुपचाप बैठ गई। तो 10 मिनट निकले, 15 मिनट निकले, मैंने कहा, बहन जी देखो, जब प्रोग्राम में आ रहे थे तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब चुप क्यों बैठे हो? कोई ना कोई बात थे। नहीं 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 भाई जी, कोई ऐसी बात नहीं। चलो भाई, 5-10 मिनट और निकले, फिर मैंने कहा, बहन जी बात तो कही है। अरे भाई जी, वो विनाश का समय आएगा तो लालू जी ने कहा था हम तो पेड़ पर चढ़ जाएंगे, हम कैसे चढ़ेंगे? हैं, मैंने कहा समस्या तो बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा चलो सोच के बताते हैं। तो सोच के सुनिए तो लाइनें। कौन कहता है कयामत में सब मर जाएंगे? हम तो योगी हैं, योग में बैठ जाएंगे। देखो ये जो शायरी शायरी सुना रहा हूँ, जब ज्ञान में नया नया आया था, करीब 22-23 साल पुरानी बात है, तो किसी प्रोग्राम में गए थे। तो प्रोग्राम में गए तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, कभी स्टेज पर भी नहीं गए थे। तो किसी ने शरारत करी, हम पीछे पीछे बैठे हुए थे, और मैं बैठा हुआ था, एक दोस्त था मेरे साथ में, तो किसी ने शरारत करी और मेरा नाम अनाउंस कर दिया।
अब नाम अनाउंस हुआ तो स्टेज पर आना पड़ेगा। अब स्टेज पर आया मैं तो ऐसे कांप रहा था, हैं, शुक्र बाबा का कि आगे वो लगा होता ना स्टेज के पीछे खड़े होने का, तो उसके पीछे मैं खड़ा था, ऐसे कांप रहा था। अब मेरे मुंह से यही नहीं निकला कि ओम शांति का के नीचे चला जाऊं, हैं, तो क्या नाम है, बोलते बोलते ना एक मेरे को शेर याद आया, हमारे सेंटर पे ने मेरी बहन दीदी थी ना वो सुनाया करती थी, हैं, तो देखो बाबा को मैंने सोचा बाबा अब तो आपके बच्चे की ना बेइज्जती हो जाएगी, कुछ बोलने ही नहीं आता है, कभी स्टेज पर नहीं आया क्या बोले और कब कब आ रहा लगा है। तो वो ना मेरे को दिमाग में वो शेर याद आ गया। तो इधर ना सब बड़े बड़े जो भाई बहन भाई बैठे हुए थे, तो वो भाई बैठे और मेरा ना ऐसे हाथ उठ गया शेर सुनाते हुए, तो सुनिए क्या शेर था। हम तो काहिल नाथे खुदा के, ऐसे उठ गया, हम तो काहिल नाथे खुदा के, आपको देखा तो खुदा याद आया। समझे नहीं समझे, हम कभी भगवान को याद नहीं करते थे लेकिन आपको देखा तो खुदा याद आ गया। बस खूब तालियां पीने लगी और भाई साहब हम वहाँ से ऐसे उतर के भागे जैसे गधे के सिर से सींग चला जाता है। हमने कहा जान बची तो लाखों पैर, वो भागे नीचे। अब क्या हुआ जी, अपने है ना वापस पहुँचे प्रोग्राम करके दिल्ली, तो है ना वहाँ गए तो बहनों की आदत है स्टेज बिठा देते हैं, भाई जी घूम फिर गया अनुभव सुनाओ। अब क्या अनुभव सुनाई, वो सुना दिया हमने। अब वहाँ से कुछ दिन बाद मधुबन आए, तो मधुबन बाबा कमरे में बैठे हुए थे, तो बाबा को मैंने कहा बाबा ये तो बड़ा काम ख़राब है, जहाँ भी घूमने जाते हैं हम तो घूमते रहते हैं, वापस जाओ तो अनुभव सुनाओ। तो कहते हैं जी, कहते हैं ना कि जब ज्ञान का तीर लगता है तो आत्मा परमधाम पहुँच जाती है। हम पहुँच गए परमधाम बाबा के पास में, बातें करते करते तो बाबा के सामने बैठे, तो बाबा को बोला बाबा क्या गजब का तीर मारा आपने, शहर व शहरी में क्या गजब का तीर मारा आपने, दिल दीवाना हो गया, तू तो अपने घर गया हमको दीवाना कर गया है? तो क्या दीवाना करा बाबा ने हमें, जिसको देखो वो कहता मेरा बाबा, जिसको देखो वो कहता मेरा बाबा। हम तो नए नए थे, हमने कहा तुम्हारा बाबा है तो हमारा भी बाबा भी है, हमारा भगवान से कितना प्यार है। तो सुनिए, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं बाबा, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं बाबा, शब्द नहीं है बयां करने के लिए, आप धरती पर आए हैं हम सबसे प्यार करने के लिए, हम सबसे प्यार करने के लिए। तो भगवान हमें प्यार कर रहा है, आप कुछ लोगों को भी प्यार कर रहा है, अब बाकी जो लोग रह गए वो भी तो प्यार के काबिल हैं कि नहीं है, मिलना चाहिए प्यार नहीं मिलना चाहिए, बोलो भाई बहनों हैं। तो कहते हैं रहना है तो रह लाल किले में, रहना है तो रह लाल किले में, शीश महल में क्या रखा है, बनना है तो उस परवरदीदार का बन, इन सांसारिक रिश्तों में क्या रखा है, इन सांसारिक रिश्तों। तो जब रिश्तों की बात आती है तो बाबा कहते हैं कि कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, दुआएं दोगे तो दुआएं मिलेंगी, नहीं ये ना बाबा कहते हैं ना। तो आपके लिए हम दुआएं की दो लाइनें लेके आए हैं आप सबके लिए। दुआओं की भीड़ में, दुआओं की भीड़ में एक दुआ है हमारी आप सबके लिए, जिसमें मांगी है हमने खुशियां तुम्हारी। जब भी आप मुस्कराएं, जब भी आप मुस्कराएं दिल से, समझो कबूल हुई दुआ हमारी, समझो कबूल हुई। दीप जलते हैं जगमगाते रहें, हम आपके हैं आपको याद आते रहें, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी दुआ है हमारी, आप सब चांद की तरह जगमगाते रहें, जगमगाते रहें। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। और इसी बात पे, इसी शेर व शायरी पर एक शायरी याद आती है, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, और आज की शाम आई है हम सभी के लिए बहुत खास है, हम सबको साथ लेकर के। कैसा लग रहा है आप सभी को, अच्छा फील हो रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद की फीलिंग आ रही है, कितने लोगों को आनंद की फीलिंग आ रही है, वाह दैट्स ग्रेट। ओके, सो आनंद की फीलिंग को और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमारे साथ में सिस्टर पल्लवी बहन आ रही हैं,
आनंद आनंद सॉन्ग को प्रेजेंट करने के लिए। पल्लवी बहन का हम जोरदार तालियों से शुक्रिया करेंगे। और वंस मोर का रिजल्ट हमारे बीच कौन आ रहे हैं? अब वंस मोर बोला तो नाम तो बोलना पड़ेगा आपको, नितिन भाई है ना, ब्रह्मा कुमार नितिन भाई, वो हमारे बीच देशभक्ति गीत लेकर आ रहे हैं। और उनके गीत के बोल हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, आगे मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आदरणीय नितिन भाई, पूरे विश्व में एक ही हमारा देश है भारत, जिसको कहते हैं भारत माँ, और किसी भी देश को माँ का टाइटल नहीं मिला। पहली है धरती माँ, जिससे हमारा ये सब कुछ, जो कुछ आप देख रहे हो सब धरती से मिला हुआ है, ये तन, ये कपड़े, ये एवरीथिंग। और दूसरी है हमारी भारत माँ, सारी संस्कृति की, सारी कलाओं की उद्गम, सारी टेक्नोलॉजी की शुरुआत
भारत में हुई। भारत सबसे प्राचीन खंड है। भारत का अर्थ ही होता है भा अर्थात आभा, प्रभा अर्थात प्रकाश, और रथ अर्थात मग्न। नहीं, ये नहीं आते। तो भारत अर्थात सदा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में मग्न। तो भारत माँ है, जननी है सारे देशों की, सारे धर्मों की। और गीता में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत भगवान की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। ऐसे महान देश में हमारा जन्म हुआ है तो हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। चलिए सुनते हैं जी, शुरू से लगाना, शुरू से लगाना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो, यूं चांते जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुना। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, म्यूजिक प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की री सदा, एक सुर में। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐ प्रीत जहाँ की री सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है,
कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ प्रीत जहाँ की री सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कि मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, गाइए। हो Once more. Thank you very much. Once more तो नहीं आएगा, लेकिन more की आवाज जरूर आएगी। मोरनी जब मैं बताऊं, मैं आपको, जब मैं 6 महीने का बच्चा था, 6 महीने का बच्चा सबने देखा है, माताएं बैठी है, बोलने में बच्चे को लगभग 2 साल लग जाते हैं। मैं 6 महीने का बच्चा और घर के आसपास कबूतर थे, मम्मी बताती है कि उनको देख के, उनकी आवाज़ सुन के मैं उनकी डुप्लीकेट आवाज़ करता था, 6 महीने का बच्चा। तो ये गॉड गिफ्ट है। मैंने संगीत कहीं नहीं सीखा। जब 12-13 साल का हुआ, घर में टेप रिकॉर्डर आया तो सुन सुन के, कॉपी करने की आदत तो थी, स्कूल में भी टीचरों की एक्टिंग करना, मार भी पड़ी बहुत बार, रिलेटिव्स में हर एक की नकल उतारना, फिर पशु पंछियों को भी नहीं छोड़ा, चिड़िया चहक रही है, कोयल बोल रही है, कोयल का भाई कौवा, मुर्गी जगा रही मुर्गे को कि जगाने का टाइम हो गया सबको, उसको देख के मुर्गा जगा। फिर गाय का बछड़ा, गाय जा रही है, उसके साथ उसका बच्चा पीछे पीछे, पीछे बच्चा है मम्मी के साथ, पीछे भैंस आंटी आ रही है, क्योंकि उसको मासी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो गाय की बहन नहीं है, तो आंटी जरूर कह सकते हैं भैंस को। पीछे से भैंस आई, कहीं शांति से कोई गधा खड़ा था, किसी ने उसको छेड़ा, गधा चिल्लाने लगा, जब गधा चिल्लाया तो गली में पतला सा कुत्ता था, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, अपनी दादागिरी कर रहा है, इसकी आवाज़ सुन के जो बड़ा वाला कुत्ता है, जिसने नाइट ड्यूटी की हुई है,
क्योंकि सारे कुत्तों के नाइट ड्यूटी होती है, आपको पता है। अच्छा, जब ये इसकी आवाज़ लाउड थी तो जो कोठी में फर्स्ट फ्लोर पे बंगलों में अंग्रेजी में भौंकने वाला, वो आके गैलरी में और नीचे गली में दो चार इकट्ठे हो गए। फिर किसी के कान में बहुत आवाज़ खटक रही थी तो उसने पत्थर मार दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब।